Hi everyone, I'm Deepankar and welcome back to my channel. So summer art competition 2024 is here. हाँ, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, so finally it's here. तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं समर आर्ट कॉम्पिटिशन 2024 का सब्जेक्ट क्या होने वाला है. ठीक है, तो कुछ ही दिनों पहले मैं MS धोनी का ये वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, तो इस कॉम्पिटिशन का सब्जेक्ट यही होने वाला है. आप लोगों को MS धोनी का ये जो पोर्ट्रेट है ये ड्रॉ करना है. ओके, तो इसका जो रेफरेंस फोटो है वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो ट्यूटोरियल्स है वो भी तो आप लोग ज़रूर देखोगे. ट्यूटोरियल्स देख कर ही ड्रॉ करना, तो ट्यूटोरियल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को जो रेफरेंस फोटो है वो मिल जाएगा. ओके, तो आप लोग लूमिस मेथड या फिर ग्रिड मेथड किसी में भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए मैं ओरिजिनल रेफरेंस फोटो दे दूंगा, उसमें आप लोग जो भी करना है कर लेना. ओके, तो ये है सब्जेक्ट. सो नाउ ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने होने वाले हैं? यहाँ पर दो ग्रुप्स होने वाले हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए होगा बिलो 14 ईयर्स, मतलब 2010 एंड उसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है वो लोग होंगे ग्रुप ए में. और ग्रुप बी Above 14 years, मतलब 2010 के पहले जिनका जन्म हुआ है, मतलब 2009, 2008 उसके पहले, ऐसे. ठीक है, तो ये है दो ग्रुप्स. ग्रुप ए बिलो 14 years, 2010 एंड उसके बाद जिनका जन्म हुआ है. ग्रुप बी above 14 years, मतलब 2009 एंड उसके पहले जिनका जन्म हुआ है. ओके, आई होप आप लोग समझ गए. तो ये है ग्रुप्स. नाउ आप लोग कहाँ पर ड्राइंग सबमिट करोगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक ईमेल आईडी है animatic.deepankar@gmail.com, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, यहाँ पर शो भी हो रहा होगा. ठीक है, तो इस ईमेल एड्रेस में आप लोगों को ईमेल करना है. अब चलो पूरे आर्ट कॉम्पिटिशन का कुछ रूल समझ लेते हैं. रूल नंबर वन, आप लोगों को फोटो कैसे खींचना है. आपका जो ड्राइंग है उसको एकदम ऊपर से वर्टिकली फोटो खींचना है, और ड्राइंग के नीचे आपका ग्रुप नेम, मतलब ग्रुप ए लिखकर, खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपना जो नाम है वो लिखना है. मतलब पहले ग्रुप ए या फिर बी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना नेम. ठीक है, अपने ड्राइंग के एकदम नीचे आप लोगों को ऐसे लिखना होगा. यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ही करना है. ठीक है, सभी को. ये अगर नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो ये है फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, अपने ड्राइंग में कोई वाटरमार्क हो गया तो नहीं चलेगा. आप लोगों को नीचे वैसे सिर्फ अपना नाम लिखना है. ठीक है, वाटरमार्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, थर्ड रूल, आप लोगों को एक ही बार ही ईमेल करना है. अगर आप लोगों को पता नहीं कि ईमेल कैसे करते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को ईमेल करना है. तो चलो देखते हैं आप लोग कैसे ईमेल करोगे. ठीक है, ईमेल करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को जीमेल में जाना होगा. जीमेल जाके आपको ऐसे कंपोज करना होगा. कंपोज करने के बाद जिस ईमेल एड्रेस में ईमेल करना है उसमें जाके, टू में जाके वो ईमेल एड्रेस लिखना होगा. या फिर ईमेल एड्रेस है animatic.deepankar@gmail.com, ये है ईमेल एड्रेस. उसके बाद ऊपर ये जो पिन ऑप्शन है इसमें क्लिक करते हुए आप लोगों को जो फ़ोटो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा. मतलब आप जो ड्राइंग है वो ऐसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ये पिन ऑप्शन से जाके. ठीक है, फ़ोन से तो वो यहाँ पर ले लेना. उसके बाद सब्जेक्ट में या फिर कॉम्पोज फाइल में अपना नाम भी लिख दे सकते हो. नाम, ठीक है, नाम लिख दिया, ग्रुप लिख दिया, एज लिख दिया, ऐसे आप लोग लिख दे सकते हो. ठीक है, बस इतना ही करना है. ये कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है. ये क्लिक करने से आपका जो फाइल है वो सेंडिंग में चला जाएगा. देखो सेंड हो रहा है, सेंड हो रहा है. ठीक है, अब आपका जो ईमेल है वो मेरे तक पहुंचा है कि नहीं वो कैसे आप लोग देखोगे. थ्री डॉट में क्लिक करो. थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पर आप लोग सेंड आइटम में, यहाँ पर जो सेंड ऑप्शन है उसमें देखो कि आपका जो ईमेल है वो मुझ तक पहुँचा है कि नहीं. सेंड पर मैं गया नहीं, मेरे पास नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो क्या हो सकता है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, यहाँ पर आउटबॉक्स में जो आपका जो ईमेल है वो रह जाता है, मतलब नहीं जाता है. ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होता है, तो यहाँ पर देखो मेरे में भी हुआ. तो आपको क्या करना है, तब आउटबॉक्स में जाके क्लिक करके ऐसे एक बार स्वाइप डाउन करना है. स्वाइप डाउन करोगे तो देखो वो जो ईमेल था क्यू में था वो अब सेंड हो गया. तो अब मैं अगर मेरे सेंड ऑप्शन में जाऊँगा तो देखो जो ईमेल है वो एनिमेटिक दीपांकर जो है मेरे ईमेल एड्रेस उसमें चला गया है. ठीक है, तो यहाँ पर सेंट में विजिबल होगा. सेंट में अगर दिखाएगा उसका मतलब है जो ईमेल एड्रेस है वो मुझ तक पहुँच गया है. और अगर नहीं दिखा रहा है सेंट में तो यहाँ पर आउटबॉक्स में शायद वहाँ पर रह गया है. तो उसको फिर से ऐसे स्क्रोल डाउन करना तो वो फिर से चला जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना. सो नाउ द फाइनल रूल, सबमिशन डेट, मतलब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होने वाला है.
इस आर्ट कॉम्पिटिशन का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होने वाला है 31 मई। मतलब आप लोगों को एक महीना से भी ज़्यादा टाइम मिलेगा तो बहुत टाइम है, ठीक है। 31 मई से पहले आप लोगों को मुझे ईमेल करना होगा अपना ड्राइंग इस ईमेल एड्रेस में animatic.dipankar@gmail.com, ठीक है। अच्छे से देख लेना, अच्छे से ईमेल करना, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ईमेल ठीक से नहीं करते, इसलिए मेरे पास अपना जो आपका ड्राइंग है वो नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ के करना। नाउ व्हाट विल बी द प्राइज, राइट। तो अगर आप लोग मेरे आर्ट कॉम्पिटिशन में पहले भी पार्टिसिपेट किए हो तो पता होगा कि मैं आर्ट मटेरियल गिफ्ट करता हूँ अपने पसंद का। मतलब आप लोग जो भी आर्ट मटेरियल पसंद करोगे एक प्राइस रेंज के अंदर, वही आर्ट मटेरियल मैं आप लोगों को गिफ्ट करता हूँ। तो पिछले आर्ट कॉम्पिटिशन में भी वैसा ही किया था, इसमें भी वैसे ही होगा। ग्रुप ए से जो फर्स्ट होगा और ग्रुप बी से जो फर्स्ट होगा, दोनों को मैं आर्ट मटेरियल गिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है, under 400 rupees, ठीक है। मतलब ग्रुप ए में 400 rupees का कोई भी आर्ट मटेरियल गिफ्ट करूंगा और ग्रुप बी में 400 rupees का कोई भी आर्ट मटेरियल गिफ्ट करूंगा आप लोगों के पसंद का। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द आर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना जो ड्राइंग है वो शुरू कर दो। जो ट्यूटोरियल्स है वो मेरे चैनल में आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल्स देख कर ड्राइंग करना शुरू करो। लूज मेथड में भी कर सकते हो, ग्रिड मेथड में भी कर सकते हो, पर शेडिंग अच्छे से करना। और 31 मई से पहले अपना जो ड्राइंग है वो ठीक ठाक, जैसे मैंने रूल्स बोला है, जैसे कि अपना नाम लिखना है, जैसे ग्रुप लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वो सारे लिख कर आप लोग फोटो खींच कर मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर पूछना, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, जल्दी ड्राइंग शुरू करो कॉम्पिटिशन के लिए। बाय।